नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज चुनावी ज्ञान में हम आपको भाजपा के मछली शहर प्रत्याशी वीपी सरोज के बारे में बताएंगे। 3 अप्रैल को भाजपा ने जौनपुर के मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से वीपी सरोज को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह जनपद के मुगरा बादशाहपुर मादरडी गांव के रहने वाले हैं। इनकी उम्र करीब 55 वर्ष होगी। कम उम्र में ही यह मुंबई कमाने चले गए, जहां इन्होंने अपने दम पर कारोबार जमाया। मुंबई में इनका कंस्ट्रक्शन का भी काम चलता है। इनका सतहरिया में वाटर प्लांट व सोडा प्लांट का भी बिजनेस है। इसके बाद यह 2012 से बसपा की राजनीति में सक्रिय हो गए, जिसका परिणाम यह रहा कि बसपा ने 2014 के मछली शहर लोकसभा से टिकट देकर इनको अपना प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में यह दूसरे नंबर पर रहे। इनको 2,66,055 वोट प्राप्त हुए, जबकि भाजपा से विजयी होकर सांसद बने रामचरित्र निषाद को 4,38,210 वोट प्राप्त हुए थे। यह 2012 से 2019 तक बसपा से जुड़े रहे। अभी एक पखवाड़े पहले बीजेपी में शामिल हुए बीपी सरोज को अचानक भाजपा द्वारा टिकट दिया जाना सभी को चौंका देने वाला निर्णय रहा। बसपा के हारे घोड़े पर भाजपा ने आखिरकार क्यों दांव लगाया, यह भी एक प्रश्न है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में सपा से तूफानी सरोज को जहां 1,91,338 वोट मिले थे, वहीं बीपी सरोज को 2,66,055 वोट। इस बार महागठबंधन से टी राम यानी त्रिभुवन राम को प्रत्याशी बनाया गया है। अब की चुनाव जंग में सपा के तूफानी सरोज के ना होने से फायदा बीपी सरोज को मिल सकता है। बीजेपी की तरफ से बीपी सरोज के चुनाव मैदान में आने से लोकसभा क्षेत्र के करीब 1,25,000 पासी समाज का वोट इनके खाते में जाता दिख रहा है। वहीं सामान्य जातियों व मोदी लहर के बीच अपनी नया पार होने की कयास लगा रहे हैं। अब देखना है कि जातिगत समीकरण के बीच बीपी सरोज किस तरह से विजय हासिल करते हैं। धन्यवाद। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंडिया बोलेगा। धन्यवाद।